Hi friends, today we will learn class 5th Hindi book Rimjim chapter 4th Nana Farkar. This is part 2. So let's start the part 2. Tumhara naam kya hai? Akbar ne narm awaaz se pucha. Kya tumhara naam kya hai? Akbar ne bilkul narm si awaaz mein pucha. Keshav usne napatula jawab de diya. Ki uska naam Keshav usne napatula sa jawab de diya. Keshav, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अकबर बोला, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? नक्काशी लकड़ी या पत्थर पर कुछ उकेरना। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। वो उलझन में पड़ा हुआ था तो उसने तुरंत सिर हिला दिया कुछ ऐसे। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। फिर तो तुम्हें भी मेरे लिए छेनी और हथौड़े का इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पाँव आ गया। ये केशव ने अपने पिता का छेनी हथौड़ा उठाया और वो जितनी स्पीड से गया था वो उतनी स्पीड से वापस गया, जैसे कि ये इतनी तेज गया इतनी तेज वापस आ गया। समझ लो ये अकबर, ये केशव अभी गया भागा, अपने पिता के छेनी हथौड़ा उठाया और वापस यहाँ पे आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गया, मतलब दोस्तों की तरह केशव ओ मेरा मतलब अकबर भी केशव के पास जमीन पर बैठ गया। और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, जो उनके पास में एक पत्थर पड़ा था उसको खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है। वो बोले, ठीक है अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। केशव ने ना बिल्कुल संदेह भरी हुई नज़र से अकबर को देखा। हुजूर क्या आप ये सब करेंगे? केशव बोला, हुजूर क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अकबर बोला, मुझे तो विश्वास है मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। वो बोला, नहीं नहीं मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। केशव सकपका गया। केशव मतलब सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, वो कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, ये ठीक नहीं लगता आपके ऊपर कि आप ये सब करेंगे। उसने कुछ अनमने भाव से कहा उसने कुछ। अकबर हंसकर बोले, वो स्माइल करते हुए बोले, अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया धोने में किसी की मदद की थी। उसने वन वीके को तो अकबर ने पिछले हफ्ते वन वीक एगो मिट्टी से भरी हुई डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? क्या यह जो काम है नक्काशी का, यह उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंज की स्थिति में था। केशव था वो अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया, मतलब वो अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था कि जैसे केशव के पिता ने उसको सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा,
उसने ना एक कोयले के टुकड़े पे कोई लकीरें खींची और एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। ये जो लकीरें कोयले के टुकड़े पर बनाई थी, इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से तोड़ से वार किया। अकबर ने ना छेनी पत्थर पर छेनी रखी और हथौड़े से जोर से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया, जिससे ना कटाव बहुत गहरा हो गया। अब अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ ली। जो अकबर ने गहरा कटाव मार दिया था, ये अकबर की जो गलती थी वो केशव ने जल्दी से पकड़ ली। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, इस तरह से मारना है, ऐसे। उसने पकड़ के दिखाया, उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मिच कर रखें वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। और उसने कहा, आपके अपनी आंखें ना थोड़ी सी मिच कर रखें, नहीं तो ये जो किरचे हैं ना, वो जैसे ये पत्थरों की किरचे जा रहे हैं, ये उड़ रही हैं, ये मतलब ये बहुत छोटी छोटी किरचे होती हैं, ये जैसे ये लगा लो, ये उड़ रही है, ये नहीं तो ये आँखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। अकबर मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। वो तो भूल ही गया था, ये जो इसके बगल में आदमी बैठा है, बगल मतलब जैसे कि ये केशव बैठा है और ये अकबर बैठा, मतलब इतना चिपक चिपक के दोनों बैठेंगे वो। ये रहा केशव, ये रहा अकबर। ये जो बगल में बैठा है वो हिंदुस्तान का बादशाह है। एक नाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। ये जो ये अनाड़ी है, उसको काम की धाक जमाने में ना केशव को मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को केर रहे हैं। वो पूरे ध्यान से देख रहा था, ये जो अकबर हैं ये लकीरों को किस तरह से उकेर रहे हैं। बादशाह ने ज़रा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तैयारियां चढ़ जाती। बादशाह से अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो फौरन उसकी तैयारियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, जब काम करते करते अकबर कुछ पूछते, केशव सही नहीं है क्या? वो बोलते कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता और वो केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। अकबर है जो इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे, और ये जो केशव काम कर रहा था उसको देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगदाश भी उन्हें देख रहे हैं। ये दोनों अपने काम में खोए हुए थे तो उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये जो इनके आसपास बैठे हैं, जैसे ये बैठे केशव, अकबर, ये और संगठदाश बैठे हैं इनके साथ भी उन्हें देख रहे हैं, बड़े कौतूहल से देख रहे हैं, मतलब कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था। अकबर ने गौर किया कि ये जो केशव ने नमूना बनाया था उसको नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें
कुछ जोड़ रहा था, ये अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ने लग रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, जिससे कि वो जो डिज़ाइन थे वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कही, जो लड़का काम करने के अंदाज को देखकर उसने धीमे से कुछ कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, कि एक दिन तुम बड़े से फनकार बनोगे, मतलब कलाकार बनोगे, फनकार कलाकार कला कार कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, कि हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना, कैसा कारखाना? केशव बोला, कारखाना कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए, ये जो ये महल बनवा रहे थे ये तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, और ये जो आगरा से लोग हैं यहाँ आकर रहने लग जाएं, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार इन कारखानों में ना सबसे बढ़िया कलाकार और शिल्पकार काम करेंगे और शिल्पकार काम करेंगे चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगरताश पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले सिलमकार सभी वहाँ काम करेंगे। ये सभी ये जो बताएं ये काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, ये जो केशव का चेहरा था वो चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला मैं वहाँ काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हो, मतलब स्टैंड अप हो गए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, जब वो जाने लगे उन्होंने केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। ये जो नक्काशी का काम करने लग रहा था वो जारी रखो। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव बोला, हुजूर आप क्या दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से कहा। केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अकबर बोले मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगरताशों के बीच केशव की धूम मची रही। फिर तो ये जो दिन में संगरताशों के बीच केशव की पूरी धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा, और ये जो उसकी बादशाह से मुलाकात हुई थी सबको सुनाता रहा। रात हो गई थी। केशव बहुत थका हुआ था, वो बहुत थका हुआ था और टायर्ड था। पिता ने नहीं पर आंखों में नींद कहाँ, पर उसको नींद नहीं आ रही थी, आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया, वो बिल्कुल हल्के से वो जो उसके पिताजी का बिस्तर था उसमें घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, उसके पिता ने स्माइल करते हुए कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। ओके
उसके पिताजी बोले केशव को, तुम अभी से बहुत प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। ये जो बादशाह अकबर थे उन्होंने कहा है कि मैं एक बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, ये उसका सर है, वो अपने पिता की बाहों के सहारे टिकाकर वो धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। ये जो हमारे बादशाह हैं वो बहुत नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा बिल्कुल सही कहा। केशव ने कुछ सोचा और पूछा, बाबा एक बात बताओ। बाबा, फादर कोई बाबा भी बोलते हैं, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है। केशव बोला, बादशाह के पास तो आगरा में बहुत सारे महल हैं, एक से बढ़कर एक महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। ये जो ये सीकरी में शहर बनवा रहे थे उसका भी एक कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, मतलब बच्चे नहीं थे, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों को फकीरे के पास गए, फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। वो भटकते भटकते रहे और ख्वाजा सलीम थे जो, उनके पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दुलियान, केशव ने चखते हुए कहा। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तब ये ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा। केशव ने कहा, मैं समझ गया। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज़ में बोला, मतलब केशव को नींद आ गई थी, उस आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। So if you like this video, please like it, share it and don't forget to subscribe it. Bye friends.